How are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study time. अभी कौन सा टाइम है बेटा हमारा? स्टडी टाइम. तो आज हम लोग स्टडी टाइम में क्या करने वाले हैं बेटा? आपकी जो ये पिक्चर बुक है ना, इसमें से आपके 3 टॉपिक्स बच गए थे. बाकी सभी टॉपिक्स हम कर चुके हैं. ओके, जो ये 3 टॉपिक्स बचे थे वो कौन से थे बेटा? इन द क्लासरूम. और कौन सा था बेटा? कलर्स, शेप्स और होम अप्लायंस. ओके, होम अप्लायंस. क्लियर बेटा? तो अभी हम लोग पहले क्या कर रहे हैं? इन द क्लासरूम. ओके, तो क्लासरूम क्या होता है बेटा? एक जब आप स्कूल जाते हो तो एक रूम में बैठते हो ना, वो जो रूम होता है वो आपका क्लासरूम होता है. ओके, क्लासरूम में आप क्या क्या चीजें देखते हो, अभी हम इस पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से क्लियर करते हैं. ओके बेटा, ये देखो ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? ये ब्लैक बोर्ड की. किसकी पिक्चर बनी हुई है बेटा? ब्लैक बोर्ड. ओके, जहां पर आपकी मैम राइट करती हैं, लिखती हैं चौक से, है ना. और ये क्या है बेटा? मैप है. ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, अभी आप छोटे बच्चे हो ना, जब आप बिग हो जाओगे तो आपको पता चलेगा ये किसका मैप है. ये इंडिया का मैप है. क्लियर? ये कौन है? नेक्स्ट, टीचर. टीचर होती है ना, मैं भी एक टीचर हूं ना आपकी, तो ये क्या है बेटा? टीचर. और नेक्स्ट क्या है बेटा? ये ग्लोब. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोब. ग्लोब भी आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये ग्लोब होता है और इसमें क्या होता है. क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है ये बेटा? चॉक स्टिक्स. क्या है ये? चॉक स्टिक्स. आपकी मैम चॉक स्टिक से ही तो ब्लैक बोर्ड पर लिखती है, लिखती है ना, तो किससे लिखती है? चॉक स्टिक से. ये क्या है? चॉक स्टिक्स. और ये क्या है बेटा? चेयर. चेयर है ना, आपकी मैम बैठती है ना चेयर पे, तो ये क्या है बेटा? चेयर. और ये क्या पड़ा है? डस्टर. क्या पड़ा है? डस्टर, जिससे आपकी मैम ब्लैक बोर्ड को जो लिखा हुआ होता है उसको अच्छे से वाइप करती है, क्लीन करती है, डस्टर. ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? ये बुक्स हैं. बुक्स होती है ना, आपकी बैग में भी होती है, तो ये बुक्स पड़ी है. ये क्या है? बुक्स. और बुक्स किसके ऊपर, ये सारा सामान किसके ऊपर पड़ा है? टेबल के ऊपर ना, तो ये क्या है बेटा? टेबल. ओके, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. ये है बेटा चार्ट. आपकी क्लासरूम में कोई फ्रूट्स का चार्ट होता है, अल्फाबेट्स का चार्ट होता है ना, वेजिटेबल्स का चार्ट होता है, तो आपको बताने के लिए क्या है? ये चार्ट है. ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? देखो डस्टबिन. डस्टबिन जिसमें आप अपना कचरा फेंकते हो, अपना वेस्ट जो भी होता है, आपके रैपर्स वगैरह या कुछ भी, तो वो फेंकते हो ना, थ्रो करते हो, तो किसमें करते हो? डस्टबिन में. नेक्स्ट क्या है बेटा? बैग. बैग कौन सा? जो स्कूल में बैग लेके आते हो ना आप, स्कूल बैग, तो इसको क्या बोलते हैं? बैग. और ये क्या है बेटा? इरेजर, जिससे आप कोई मिस्टेक कर देते हो तो उसको रब करते हो ना इरेजर से, है ना, तो ये क्या है बेटा? इरेजर. ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? वाटर बॉटल. आप अपने स्कूल में आते हो तो अपने बैग में वाटर बॉटल भी लाते हो ना, वाटर पीते हो ना अपनी वाटर बॉटल से, तो क्या बोलते हैं उसको? वाटर बॉटल. और ये क्या है बेटा? पेंसिल बॉक्स, जिसमें आपका पेंसिल होता है, इरेजर होता है, शार्पनर होता है, तो किसमें होता है वो? आपके पेंसिल बॉक्स में. ओके, तो मैं एक बार आपको रिपीट करवा रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा. ब्लैक बोर्ड, मैप, टीचर, ग्लोब, चॉपस्टिक्स, चेयर, बुक्स, डस्टर, टेबल, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, इरेजर, बैग, डस्टबिन, चार्ट. ये था बेटा आपका क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम में ये सब चीजें हम देखते हैं ना, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम अप्लायंस. होम अप्लायंस जो चीजें आप अपने घर में देखते हो. ठीक है, अब घर में हम लोग क्या क्या देखते हैं? ये क्या है बेटा? एलसीडी. एलसीडी आप देखते हो ना बेटा घर पे, पिक्चर्स देखते हो, कार्टून्स देखते हो, है ना, तो ये क्या है बेटा? एलसीडी. ओके, जिसमें आप लोग अपने पिक्चर्स, कार्टून सब कुछ देखते हो, तो वो एलसीडी में, टीवी पे देखते हो ना, तो उसको बोलते हैं एलसीडी. नेक्स्ट क्या है बेटा? रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपका खाना ठंडा रहता है. क्या है ये? रेफ्रिजरेटर. जो आप फ्रिज बोलते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेफ्रिजरेटर. नेक्स्ट क्या है बेटा? आयरन. आपका मम्मा आपकी कपड़े प्रेस करती है ना, तो प्रेस किससे करती है वो कपड़े? किससे? वो आयरन से करती है, तो उसको प्रेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आयरन. क्या होता है वो? आयरन. और नेक्स्ट क्या है बेटा? टेलीफोन. क्या है बच्चे?
टेलीफोन, टेलीफोन होता है ना हमारे घर पे, आजकल तो मोबाइल फोन ज्यादा है, तो किसी किसी घर में ना वो टेलीफोन ऐसे भी फोन होते हैं। ओके, तो ये क्या है बेटा? टेलीफोन। और ये क्या है बच्चे? फैन, जो हमें हवा देता है, लगा होता है ना हमारे रूम में फैन, है ना, फैन। और इसको बोलते हैं बेटा रूम कूलर। क्या है ये? रूम कूलर, रूम को ठंडा करता है ना कूलर्स, जो कूलर होते हैं ये रूम कूलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्यूब लाइट। ये क्या है बच्चे? ट्यूब लाइट, जो हमें रोशनी देती है, ट्यूब लाइट। और इसको बोलते हैं बेटा एयर कंडीशनर। क्या है ये? एयर कंडीशनर, जो एसी बोलते हो ना आप, एसी है, एसी को बोलते हैं एयर कंडीशनर। एसी की फुल फॉर्म है एयर कंडीशनर। फिर से फैन दिखा रखा है अभी मैंने आपको बताया। और ये है बेटा सीएफएल। सीएफएल भी हमें रोशनी देती है, लाइट होती है ये भी, बट छोटी होती है, सीएफएल होती है, ठीक है, छोटी सी होती है। और ये है बेटा प्लाज्मा। आजकल एलसीडी एलईडी चल पड़े हैं ना, उनसे पहले प्लाज्मा आता था टीवी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है? हमारा घर क्लीन होता है। ओके, वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्या है बेटा? ये फिर से टेलीफोन दिखा रखा है। और ये क्या है बेटा? कंप्यूटर। क्या है ये? कंप्यूटर। और इसको बोलते हैं बेटा मिक्सर ग्राइंडर। ये क्या है बच्चे? मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें आपकी मम्मा शेक बनाती है, कॉफी बनाती है, मिक्सर ग्राइंडर। और नेक्स्ट है बेटा वॉशिंग मशीन। हम अपने कपड़े वॉश करते हैं ना, तो कौन करता है? वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं ना, तो ये क्या होता है? वॉशिंग मशीन। मैं आपको एक बार और क्लियर कर रही हूं अच्छे से। एलसीडी, रेफ्रिजरेटर, आयरन, टेलीफोन, फैन, रूम कूलर, ट्यूब लाइट, एयर कंडीशनर, सीएफएल, प्लाज्मा, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर, मिक्सर ग्राइंडर एंड वॉशिंग मशीन। क्लियर बेटा? अब मैं आपको ना कुछ कलर्स दिखाने जा रही हूं, आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि वो कलर्स कौन से हैं। ओके बेटा, तो अभी देखना मेरे हैंड में कुछ कलर हैं, जल्दी से बताओ कौन से कलर है ये? कौन सा कलर है ये? ब्लैक कलर। और ये कौन सा कलर है बच्चे? पर्पल कलर। और इसको कौन सा कलर बोलते हैं? वायलेट कलर। ये कौन सा कलर होता है बेटा? वायलेट कलर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्लू कलर। कौन सा कलर है ये? ब्लू कलर। और ये कौन सा कलर है बच्चे? येलो कलर। वेरी गुड। और नेक्स्ट इज व्हाइट कलर। कौन सा कलर है ये? व्हाइट कलर। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रेड कलर। कौन सा कलर है ये? रेड कलर। नेक्स्ट इज ब्राउन कलर। कौन सा कलर है बेटा ये? ब्राउन कलर। और नेक्स्ट कौन सा कलर है ये? पिंक कलर। इसको कौन सा कलर बोलते हैं बेटा? पिंक कलर। ओके, अभी मैं आपको और नेक्स्ट दिखाती हूँ कलर्स। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए ये कौन सा कलर है बेटा? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है ये? ऑरेंज कलर। और ये कौन सा कलर है बच्चे? स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है ये? स्काई ब्लू। और नेक्स्ट इज ग्रीन कलर। कौन सा कलर है ये? ग्रीन कलर। तो ये थे हमारे कलर्स नेम। और अभी मैं आपको शेप्स दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये शेप दिखा रही हूँ। ये शेप्स होती है बेटा, वो मैंने कलर्स दिखाए थे। ओके, अब आप बताओ ये कौन सी शेप है बेटा? ये स्क्वायर शेप है। कौन सी शेप है? स्क्वायर शेप। अब मैं आपको बताऊं, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, फोर साइड्स इक्वल है, इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर शेप। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारी? रेक्टेंगल शेप। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे ये वाली और ये वाली इक्वल है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। ओके, तो ये होता है बेटा रेक्टेंगल। ओके, और नेक्स्ट तो आपको पता ही है ये क्या है बच्चे? सर्कल। राउंड राउंड सर्कल, है ना, सर्कल बोलते हैं ना इसको। और ये क्या है बच्चा? ट्रायंगल। क्या है ये? ट्रायंगल। ओके, क्या है ये? ट्रायंगल। इसकी थ्री साइड्स होती है। क्लियर? ओके ओके बेटा, तो ये थी हमारी शेप्स। आज हमने थ्री टॉपिक्स किए, होम अप्लायंस, कलर्स, शेप्स और क्या किया हमने इन द क्लासरूम। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।